ठीक है स्वागत है आप सभी का डाउट नट लाइव में तो यार आज की मास्टर क्लास में पोटेंशियल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है बेसिक बेसिक बातें पोटेंशियल के बारे में आप भी जानते होंगे उनके बारे में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे ताकि आपको क्विकली रिवाइज हो जाए उसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो क्वेश्चन थोड़ी क्लैरिटी लेके आ सकते हैं आपके अंदर उनकी डिस्कशन करेंगे ठीक है चलिए तो यार देखो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पोटेंशियल होता क्या है पोटेंशियल होता क्या है तो इसे दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है पोटेंशियल ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं आपके पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ मुझे पता है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है ठीक है मुझे तो पता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है तो मैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो ये ये होता होता क्या है होता है कि जब भी किसी एक पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के के और मान लो एक चार्ज चार्ज यहां रखा हुआ है क्युं? इस कारण मैं आर दूरी पे यहां आर दूरी पे क्या फाइंड करना चाह रहा हूं यहां आर दूरी पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भैया ये क्यू चार्ज है इसके कारण आर दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा कैसे पता लगाएंगे भाई यहां से इनफाइनाइट से उठा के एक चार्ज लेके आऊंगा ठीक है ये पॉइंट है पी ठीक है और पी पॉइंट पर रख दूंगा इसका नाम है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इसका नाम है टेस्ट चार्ज अब टेस्ट चार्ज को वहां से यहां तक लाने में जो काम किया गया है वो भी किसके द्वारा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है ना वो कंजर्व हो जाता है एज वो यहां स्टोर हो जाता है एज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज और उस पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दो इस इस चार्ज चार्ज के जिसे लेके आया हूं मैग्नीट्यूड से तो इस चार्ज का पोटेंशियल आ इनफाइनाइट है देख क्या बोला? एक चार्ज लो, है ना यहां पे बहुत सारे चार्ज पड़े रहते हैं यहाँ का पोटेंशियल होता है जीरो मैंने एक चार्ज को उठाया अब क्योंकि देख वो पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है वो चार्ज इसे इधर रिपेल कर रहा होगा और लेकिन मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा के ला रहा हूं ये वाला चार्ज इसे इधर रिपेल कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है मतलब इतना स्लोली वहां से लेके आ रहा हूं कि पता भी नहीं चल रहा चार्ज को कि मुझे ले जाया भी जा रहा है ठीक है तो यहां लेके आते हैं तो वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसे अगर उसी चार्ज के मैग्नेट्यूड से डिवाइड कर दूं जिसे लेके आया गया है तो ये पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी बन जाता है मतलब उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंट के बीच में चार्ज क्यू नॉट को लाया गया है। वहां से लेके आए यहाँ पे तो पी माइनस इनफाइनाइट फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है फिर हमें यहाँ से कहा नहीं समझ में आता कि इन्फिनिटी का तो पोटेंशियल हमें पता होता है कितना होता है जीरो होता है तो पी का पोटेंशियल डायरेक्ट आ जाता है इसकी वैल्यू होती है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर ठीक है यहाँ आर दूरी पर लाया हूँ और क्यू नोट से इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाती है के क्यू अपॉन आर ये सब चीज आपको पता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है क्यू बाई आर क्या ये सभी को पता है बिल्कुल पता होना चाहिए एक्चुअल में जो यहां सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है ना पोटेंशियल की वो अराइज होती है स्फीयर से स्फीयर पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा स्फीयर की ग्राउंडिंग कैसे की जाए स्फीयर का दूसरे स्फीयर से कनेक्शन बना दें तो क्या दिक्कत होगी है ना और आ, कुछ प्रॉब्लम अराइज होती हैं वहां से जहां हम ये चीजों की स्टडी करते हैं कि चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो हमें अच्छे से पता है कि वी बराबर क्या होता है माइनस का ई डॉट डी आर अगर मैं ए से वी में जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वी बी माइनस वी ए मिल जाएगा ठीक है VB minus VA क्या मिल जाएगा माइनस का ईडोट डी आर और ये डायरेक्ट ये बताता है कि अगर मैं A से ऐसे में जा रहा हूं A से B में जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल कम होगा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है पोटेंशियल कम होता है नेगेटिव साइन यही बता रहा है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या होगा पोटेंशियल कम होगा कैसे पता चलेगा देख मैं लिखता हूं ये पॉइंट है ए ये पॉइंट है बी ठीक है बी इलेक्ट्रिक फील्ड है, है इधर की डायरेक्शन में ठीक तो मैं लिखता हूं माइनस वी ए वीबी माइनस वी ए क्या लिखूंगा माइनस का ए से बी में और e थीटा ठीक है ऐसे ही लिखूंगा ईडोटीआर e मतलब थीटा e लिखूंगा ठीक है अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है क्या दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री हो गया क्या दोनों के बीच का एंगल जीरो लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजन दे रहा हूँ बी e में जा रहा हूं ऐसे बी में जा रहा हूं, हूं। अब मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जाऊंगा तो पोटेंशियल हमेशा कम होगा ठीक चलो तो मैंने क्या किया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माना मतलब यहां से यहां जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में यानी कि डी इस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान रहा हूं मैं इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही और मैं इधर ही जा रहा हूं चार्ज को लेकर ठीक है मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करने तो एंगल हो गया दोनों के बीच का जीरो तो कॉस जीरो क्या होता है वन होता है तो मैंने यहाँ जीरो लिख दिया ठीक है कॉस जीरो होता है वन अगर इसकी वैल्यू वन रखूंगा तो यह आएगा माइनस का ई डॉट डी ठीक है मतलब कि ई e की वैल्यू कुछ होगी डी की वैल्यू कुछ होगी दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा अब वी बी माइनस वी ए का नेगेटिव आना इसका मतलब क्या है कि फाइनल क्वांटिटी छोटी है इनिशियल क्वांटिटी बड़ी होगी दो क्वांटिटीज का डिफरेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब फाइनल छोटी होगी इनिशियल बड़ी होगी तभी तो नेगेटिव आया तो पता चल गया कि ए पे पोटेंशियल ज़्यादा था बी पे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर हमेशा पोटेंशियल क्या होता है बेटा कम होता है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ठीक पोटेंशियल क्या होता है ये पता हो गया पोटेंशियल की जो प्रॉपर्टी uh, है वो इस प्रकार से होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो हमेशा पोटेंशियल कम होगा ठीक है अब क्योंकि ऑल अबाउट पोटेंशियल का लेक्चर है तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ को पढ़ लेंगे फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हुए अब यार अगर मैं आगे चलूँ तो हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट रैंडम शेप के क्या लिए थे आ, रिंग वगैरह लिए थे उनके कारण पोटेंशियल लिखा था ठीक है चलिए तो एक बार देखते हैं कि कैसे और आगे कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल बनाए जा सकते हैं रिंग के कारण पोटेंशियल निकालना आता आप लोगों को रिंग के कारण क्या होगा पोटेंशियल रिंग के कारण पोटेंशियल क्या होगा क्या आप लोगों को पता है देखिए अभी बताते हैं ठीक है रिंग के कारण निकालना बड़ा आसान है एलिमेंट वेलीमेंट कुछ नहीं लेना है आपको सिर्फ और सिर्फ निकालना आना चाहिए ठीक है बेटा चलिए यार ये तो बड़ा भारी पड़ रहा है चलिए बेटा चलो बताते हैं रिंग के कारण कैसे निकाला जाए ठीक मान लो क्या मान लो कि ये एक रिंग है ठीक है क्या है ये एक? रिंग है इस रिंग के एक्सिस पे कहीं एक्स दूरी पे एक्स दूरी पे एक पॉइंट है यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है ठीक है इस पूरी की पूरी रिंग पे क्या रखा हुआ है बेटा पूरी की पूरी रिंग पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है ठीक है ऐसे 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 पूरी की पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है ठीक है भाई साहब है ना अब क्या होता है अब कुछ ऐसा काम होता है कि मुझे इस रिंग के कारण यहाँ पे क्या पूछा गया है पोटेंशियल पूछा गया है इस रिंग की रेडियस है आर कितनी रिंग की रेडियस कैपिटल आर है अब यार एक बात बताओ अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ छोटा सा एलिमेंट ले लूँ तो उस एलिमेंट के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा इस एलिमेंट का मैं मान लेता हूँ चार्ज है डी क्यू एलिमेंट का चार्ज कितना है डी क्यू उसके कारण वहां पे पोटेंशियल कितना होगा देख ये दूरी है कैपिटल आर क्योंकि रेडियस के बराबर है ठीक है ये दूरी है एक्स के बराबर तो ये दूरी कितनी हो जाएगी अंडर रूट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है ठीक है जी बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ गया है ना अब क्या होगा अब एक बिल्कुल बेसिक चीज होगी कि इस डी क्यू पॉइंट चार्ज के कारण मुझे पोटेंशियल निकालना आता है, है? पॉइंट चार्ज है डी क्यू तो इस डी क्यू चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा के डी क्यू अपॉन चार्ज की पॉइंट से दूरी जहां पोटेंशियल लिख रहा हूं तो वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस

इस पॉइंट को मैं इधर इधर थोड़ी ले जा रहा हूं नहीं ले जा रहा वेरिएबल क्या है ये डी क्यू ये सारा का सारा डी क्यू है ये अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के अब इस पूरी की पूरी रिंग पे अगर चार्ज दिया हुआ है मुझे क्यू तो मैं डी क्यू की जगह क्या लिख दूंगा क्यू लिख दूंगा और ये बन जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज की जो रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसपे टोटल चार्ज है क्यू उस चार्ज रिंग के कारण पोटेंशियल होता है यहाँ पे कितना KQ square, अच्छा, अब आगे, के भाई KQ चलेंगे तो अब फिर से एक और बेसिक बात बिल्कुल मतलब कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है फिर से आसान और बेसिक बात करने वाले देखो क्या बात है समझाते हैं अभी आपको मान लो मेरे पास एक रिंग है लेकिन उस रिंग के कारण चार्ज डेंसिटी मतलब उस रिंग की जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है कैसी ये बताता हूं देखो यार आज ये बोर्ड बड़ी तकलीफ कर रहा है क्या चक्कर है हम्म देखो भाई अपने पास मान लो एक रिंग है इस तरह की ऐसी रिंग ठीक रिंग ले ली अब इसके सेंटर से मुझे अगेन एक्स दूरी पे या मानो टू आर दूरी पे टू आर दूरी पे क्या करना है यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है और मुझे दिया गया है कि ऊपर वाली रिंग जो है उसका चार्ज है Q क्या है Q है ऊपर वाली रिंग का चार्ज क्या है Q है आधी रिंग का चार्ज है Q और नीचे वाली आधी रिंग का चार्ज है टू क्यू मतलब वेरिएबल चार्ज डेंसिटी ये इस नीचे वाली रिंग का चार्ज क्या है टू क्यू है ठीक है ये इसका चार्ज हो गया टोटल टू क्यू ठीक बेटा समझ में आ गया चलिए निकालो चलो बेटा खुद से करो ये रेडियस है आर टू आर दूरी पे निकालो चलो कैसे करोगे जल्दी बताओ अरे जल्दी बताओ कैसे करोगे यार क्या तुम कर सकते हो यहाँ पे लॉजिक यूज किया जाएगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा अगर आपको चीज़ें समझ में आती है गणित आती है फिजिक्स आती है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है ठीक है चलिए हाँ बेटा बताओ जल्दी सॉल्व कर सकते हो तुम इसे हाँ हम्म हम्म चलो बेटा सॉल्व करो ओके चलिए बताते हैं देखो बेटा इस वीडियो में कुछ तो होगा मैं आपको एक बात बता देता हूँ लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्विज के लिए पढ़ रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो तो मत देखो बेटर है अगर क्विज आपका मोटिव है ना अगर क्विज से आपको मोटिवेशन मिल रही है या सिर्फ क्विज ही वो चीज़ है जो आपको डिराइव कर रही है पढ़ने के लिए तो गलत है बेटा लाइफ में फिर आप मतलब बहुत लोगों से पीछे हो सुबह जब मैं क्लास लेता हूं ग्यारहवीं की और बारहवीं की आपको एक बेसिक बात बताता हूं तो बच्चे आते हैं और कभी क्विज के बारे में पूछते तक नहीं है कि सर क्विज होगा या नहीं होगा मतलब अब दो में से हजार में से एक बच्चा दो बच्चा पूछ ले तो यार उसकी तो मतलब ऐसा तो होता है एक ना एक तत्व तो ऐसा मिलता है मतलब एक ना एक एलिमेंट तो पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा मिलेगा जो सबसे अलग बिहेव करता है ना तो उसी प्रकार से ये बात भी हज़ार दो हज़ार बच्चे बैठे हुए हैं उनमें से कुछ बच्चे देख रहे हैं डाउट नेट ऐप की मैं बात कर रहा हूँ तो कई बच्चे सिर्फ क्विज के लिए आते हैं कई बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको हो रहा है डबल फ़ायदा कैसे वो पढ़ाई तो कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी वो मोटिवेशन है कि वो पढ़ने आए हैं है ना अगर क्विज नहीं भी होता तो भी वो पढ़ते ये मोटिवेशन का फ़ायदा मिल रहा उन्हें दूसरा क्विज भी ले रहे हैं अब जो बच्चे क्विज लेने आते हैं उनका कभी कभी हो जाता है ऐसे क्या भैया क्विज भी नहीं करवाई और ये भी नहीं हुआ बाकी हम हर क्लास में क्विज करवाते हैं क्विज का मोटिव बता देता हूँ मैं आपको क्या है क्विज का मोटिव बेटा ये नहीं है कि आप लोगों को आ, मतलब आप लोगों को जस्ट पैसे दिए जाए है ना क्विज के थ्रू हम लोग आपको इम्पोर्टेंट सवाल करवाते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं आपके एग्जाम से ही उठाए गए सवाल हैं या आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है ना दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी क्वेश्चन की कि या तो एग्जाम में आ चुका होगा या वो आने वाला होगा ठीक है है ना ऐसे ही तो नहीं होता कोई भी क्वेश्चन की बस फर्जी क्वेश्चन बना दिया ऐसे ही और वो फिर वो किसी बुक में डाल दिया और फिर हमने अपने यहां पे क्विज में पूछ कर दे नहीं ऐसा नहीं है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन आता है उसे सीरियस लेना है पहली बात तो आज के क्लास में भी क्विज होगी क्विज हम करेंगे जस्ट एट द मोमेंट आई फील के क्विज कर लेनी चाहिए तो हम क्विज कर लेंगे ठीक लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ इस मोटिव से आया हूँ कि मैं बच्चों को कुछ पढ़ाने जाऊँगा मैं इस मोटिव से नहीं आया कि आज मुझे जाके क्लास में एक कोई करवानी नहीं मेरा मोटिव ये है कि मैं बच्चों को जाके कुछ पढ़ाऊंगा तो प्लीज़ थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दो आपके बोर्ड के एग्जाम भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पढ़ाई मतलब ऑलरेडी टाइम बहुत निकल चुका है आगे जब पेपर आएंगे तो इतना सारा कवर कर नहीं पाओगे तो बेटर है कि अभी ऑलरेडी ध्यान दे लो ठीक चलिए तो ये बात उन बच्चों के लिए थी जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते क्विज के लिए लेना अच्छी बात है क्विज लेना अच्छी बात है बट क्लास को क्विज के लिए लेना अच्छी बात नहीं क्लास में क्विज लेना ठीक है अगर आप पढ़ने आ रहे हो और आपको क्विज मिल रही है तो बेटर है अच्छी बात है बट सिर्फ क्विज के लिए क्लास में घुसना इज नॉट गुड पूरी क्लास देखो समझो सीखो हर टीचर की उनसे सीखो यार वो क्या क्या बता रहे हैं आपको ठीक चलिए हाँ भाई अब आगे चलते हैं ये तो हो गई ज्ञान की बात कि ये अपने पास रहेंगे और इस रिंग के भाई साहब ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और नीचे है अपना टू क्यू पॉजिटिव लिया ठीक है तो ठीक। ठीक। सिमिलरली यहां पर एक एलिमेंट लिया यहां से दूरी हो गई आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर अगेन ठीक है अंडर रूट में ठीक चलिए बहुत सही अब देखो यार एक चीज सोचो कि ये जो रिंग है ये जो रिंग है क्या इसके हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट से ये वाली दूरी कांस्टेंट है हर एक पॉइंट से अरे क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट है है ये पॉइंट ना जिस पे निकालनी ये पॉइंट आगे पीछे तो नहीं जा रहा और रेडियस भी कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी ठीक है क्लियर है मतलब ये चीज कॉन्स्टेंट है इस चार्ज से और इस पॉइंट की दूरी कांस्टेंट सिमिलर कहानी इसके लिए इस चार्ज से और इस पॉइंट की दूरी कांस्टेंट ठीक है तो इस डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ इतनी दूरी पे, आ, इतनी दूरी पे कितना पोटेंशियल आएगा के डी क्यू अपॉन अंडर रूट में फाइव आर स्क्वायर ठीक है इस डी क्यू चार्ज के कारण कितना आएगा के डी क्यू टू ये डी क्यू वन मान लेते हैं डी क्यू टू मान लेते हैं अपॉन अंडर रूट में फाइव आर स्क्वायर ठीक है ओके अब यार एक चीज़ सोचो कि ऊपर वाली जो रिंग है उस पर टोटल चार्ज कितना है क्यू है और नीचे वाली पे टू क्यू है तो मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ ऊपर मतलब कि दोनों साइड दोनों ऊपर भी इंटीग्रेट कर देता हूँ नीचे भी इंटीग्रेट कर देता हूं ठीक है चलिए इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है पोटेंशियल क्या है ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है अब एक चीज़ सीखो के dq की वैल्यू क्या हो जाएगी dq को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा dq1 को ये तो सब नीचे वाला तो कांस्टेंट है यार ये तो 5 r रूट फाइव आ जाएगा ये तो कांस्टेंट है सिमिलरली यहाँ पे k डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे और आर रूट फाइव आ जाएगा ठीक है अगर मैं डी क्यून को इंटीग्रेट करूंगा मतलब कि सारा ऊपर की रिंग का चार्ज मैं जोड़ दूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा क्यू तो मैं इसे हटा के लिख देता हूं क्यू ठीक है और क्या मैं नीचे की पूरी रिंग का चार्ज इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टू क्यू मिल जाएगा तो मिल गया मुझे टू क्यू ऊपर वाली रिंग के कारण यहां पे पोटेंशियल ये नीचे वाली रिंग के कारण यहां पे पोटेंशियल ये टोटल पोटेंशियल कितना हो गया जोड़ दो दोनों को बस दिस इज द आंसर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी और आप बन भी जाओगे लेकिन इसमें कुछ है नहीं ऊपर की रिंग का चार्ज लिखो पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो मुझे यहाँ डायरेक्शन का ध्यान ही नहीं, नहीं रखना ध्यान रखना है किस चीज़ का मुझे सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है कौन सी नहीं तो मैं इंटीग्रेट किसे करूं बस इसके अलावा और कुछ नहीं ठीक है चलिए अब कुछ सवाल हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं प्लीज़ एक बार लगा दीजिए जो कि कुछ पेपरों में आए हुए हैं पहले हाँ पहला पहला सवाल हम्म यही है पहला सवाल जो आपको नज़र आ रहा है अच्छा सवाल है काफ़ी तो देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व किया जाए आप इसे ट्राई कर सकते हैं खुद से ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है तो फर्जी तो नहीं है अच्छा सवाल है चलिए बेटा लगाइए दिमाग और करिए कोशिश कैसे होगा सवाल चलिए यार ये तो कुछ मारना पड़ेगा स्प्रे वगैरह स्प्रे से साफ नहीं हो गए चलो भाई सवाल आपको नज़र आ रहा है आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आता है तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं और नहीं पता है तो भी कोशिश तो कर ही सकते हैं ज़्यादा भी कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं चले बेटा कोशिश करो सवाल सॉल्व करने की चलिए देखो अब समझाते हैं आपको कहानी को टू स्पियर्स ये पोटेंशियल लिखा हुआ है इसे भी हटा देते हैं नहीं तो आपको सवाल दिखेगा नहीं क्या लिखा हुआ देखो टू स्पियस ए एंड बी दो स्पियर है ए और बी बेसिकली मैंने आपको बता दिया जेई वही में स्पीय की प्रॉब्लम आती की cm, cm, है ठीक है रेडियस दे रखी चार सेंटीमीटर छह सेंटीमीटर ये स्पियर वन है ठीक है और ये स्पीयर टू है इसकी रेडियस कितनी है चार सेंटीमीटर है फोर सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है छः सेंटीमीटर है इसको चार्ज दिया हुआ है एटी माइक्रोकूलम एटी माइक्रोकूलम इसको चार्ज दिया हुआ है फोर्टी माइक्रोकूलम फोटी माइक्रोकूलम ठीक है अब बोला गया है कि इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय अ फाइन वायर तो इनको मैंने क्या कर दिया एक तार से जोड़ दिया ठीक है अब मुझे बोला गया है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम वन टू अदर ठीक है कि एक से दूसरे पे कितना अमाउंट चार्ज का फ्लो करेगा यहां से और यहां पे या यहां से यहां पे कितना चार्ज आया वो हमें बताना अब एक चीज आपको क्या समझ में आती है कि चार्ज जो है हाई पोटेंशियल पोटेंशियल से लो पे बहेगा तो कौन से स्फीयर का का पोटेंशियल ज्यादा है है और कौन से कम क्या आप मुझे बता बता सकते सकते हैं हैं क्या आप मुझे ये बात कि कौन से स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा है और कौन से का कम है अरे आसानी से बता सकते हैं यार क्यों नहीं बता सकते देख के क्यू अपॉन आर होता है स्फीयर का पोटेंशियल कोई भी स्फीयर अगर मुझे दिया हुआ है उसका पोटेंशियल के क्यू बायर होता है ये बात तो मुझे पता है तो करो फटाफट फड़ से सॉल्व करो चलिए हम्म इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 बराबर लिखूंगा तो K 80 माइक्रो कूलम अपॉन फोर सेंटीमीटर है ना यूनिट बाद में चेंज कर लेंगे इसका अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा V2 बराबर कितना हो जाएगा K 40 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय सिक्स सेंटीमीटर ठीक चलिए क्या ये ज्यादा नजर आ रहा है तो दोनों में है नीचे वाली संख्या इसमें छोटी ऊपर वाली बड़ी है इधर ऊपर वाली छोटी और नीचे वाली बड़ी है। मतलब मतलब मुझे समझ में आएगा पहला गोला बड़े पोटेंशियल वाला है पहले में ज्यादा दम है तो पहला वाला भेजेगा चार्ज यहां पर भेज दिया मान ले क्यू चार्ज यहां पर निकल गया और जब तक चार्ज निकलेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है जब तक दोनों में बराबर ताकत नहीं आ जाती है इसको भेजता रहेगा ले ले भाई तू भी ठीक ओके अब अगर यहां से यहां तक जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो गया तब तक चार्ज फ्लो किया क्यू तो यहां पे कितना रहेगा चार्ज एटी माइनस क्यू और यहां पे कितना हो गया फोर्टी प्लस क्यू ये मान लेता हूं मैं इक्विलिब्रियम स्टेट है जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया सेम हो गया अब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया सेम हो गया ठीक है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो निकालना मुझे अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा के ए टी अपॉन इसकी रेडियस क्या है चार बराबर होना चाहिए के फोर्टी प्लस अपॉन कितना आएगा छः ठीक है कैसे क्या कैंसल आउट हो गया माइक्रोकुलम से माइक्रोकुलम कैंसल आउट हो गया और नीचे सेंटीमीटर से इधर वाला सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया लिखने की बात नहीं समझ में आ जानी चाहिए बातें तेरे ठीक है अब देख ये दो बार कैंसल आउट हुआ ये तीन बार कैंसल आउट हुआ दो से इसको तीन को इधर मल्टीप्लाई करो दो को इधर मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा तीन को इधर मल्टीप्लाई करो एटी इंटू तीन कितना होगा दो सौ चालीस माइनस थ्री क्यू बराबर टू को इधर मल्टीप्लाई करो एटी फोर्टी टू जटी एंड देन उसके बाद आएगा प्लस टू क्यू ठीक है यही आएगा क्लियर है चलो अब देखो थ्री की को इधर लाओ एटी को इधर लाओ तो टू फोर्टी माइनस एटी बराबर टू क्यू प्लस थ्री क्यू ठीक यह आ गया क्यू और क्यू की वैल्यू क्या आ गई वन सिक्सटी बाय फाइव यानी कि फाइव से कितना कैंसिल आउट होगा बेटा फाइव से कैंसल आउट होगा तीन बार और फिर होगा दो बार ट्वेंटी थर्टी टू तो जो चार्ज फ्लो किया है वहां से यहां पे क्या, क्या क्यू है बिल्कुल है तो कितना चार्ज फ्लो, है? 32 अब मुझे जाए अगर फाइनल जो फ्लो किया है कि आप बताओ कि कितना चार्ज फाइनली सेटल हो जाएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो वो भी बता सकते हैं कैसे बता सकते हैं देख यहां पे चार्ज क्यों निकल गया तो 32 मतलब निकल चुका है अगर 80 में से 32 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा

अगले सवाल पे चलते हैं अगले सवाल पे चलते हैं चलो लगाओ भाई दूसरा सवाल लगाओ ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्रिस्टल पता है ना क्या होता है अरे कांच के क्रिस्टल देखे हैं कभी कितने साफ होते हैं बस उसी तरह से ये सवाल साफ़ हो जाना चाहिए आप लोगों को कि चमक चमक के साफ हो जाना चाहिए क्रिस्टल चमकते हैं ना हाँ बस यही कई लोग बोलते भी सर आप क्रिस्टल क्लियर क्यों बोलते हो चमका क्यों बोलते हो क्रिस्टल चमकते हैं इसलिए बोलता हूँ चमकता है ना भाई हीरा चमकता है ना हीरा बस तो हीरे बनने की कोशिश करो लाइफ में हीरो बनने की नहीं हीरो हीरो बनने की नहीं हीरे बनने की चलिए बेटा सवाल आपको नजर आ रहा है अगर आपने इस पढ़ा हुआ है और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है तो आप ये भी सवाल कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा इतना बड़ा कोई सवाल नहीं बना है जो आप लोग नहीं कर सकते हो इतना बड़ा सवाल कोई भी नहीं हमने डिस्कस किया है जो आप नहीं कर सकते हो बहुत बेसिक चीजें हैं हम सब पढ़ चुके हैं तुम कर सकते हो ये वाला सवाल खुद से कर सकते हो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है इस सवाल के लिए वी <coughs> 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 सी माइनस वी भाई साहब सी पॉइंट कहाँ है ऊपर यहाँ है ये रहा ये रहा ये रहा सी पॉइंट है ना और ए पॉइंट कहाँ है ये रहा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना मुझे इन दोनों के बीच का ठीक है तो क्या है बड़ी बात थोड़ी है यहाँ क्यू है यहाँ टू क्यू है और यहाँ थ्री क्यू है ठीक ओ माय गॉड बहुत सही तो वी सी माइनस वी ए बनाना है अगर मैं वी ए लिखना चाहता हूँ यहाँ लिख देता हूँ यहाँ लिख दूँ हाँ यहाँ लिख देता हूँ चल यहाँ लिख देता हूँ छोड़ अगर मैं वी ए लिखना चाहता हूँ ए ए का पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा ए का पोटेंशियल छोटा वाला स्फीयर का चार्ज अपॉन छोटे वाले स्पेयर की रेडियस आर है

तो देख मुझे पता चल गया हाँ ये वाला डायग्राम एक सेकेंड ये हो गया अपने पास में क्यू पोटेंशियल सॉरी क्यू चार्ज हो गया यहाँ पे यहाँ पे हो गया टू क्यू चार्ज और यहाँ पे हो गया फोर क्यू चार्ज है ना और यहाँ की जो हालत है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ की रेडियस है आर यहाँ की है टू आर और यहाँ की है फोर आर ठीक है हाँ अब आप ये डायग्राम हटा सकते हैं बिल्कुल हटा सकते हैं चलिए अब देखो यार मेरी बात सुनो ये जो स्फीयर है

इंटू उस स्पियर का चार्ज जिसके अंदर लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय उस स्पीय की रेडियस जिसके अंदर लिख रहा हूं टू आर ठीक है अरे भाई फर्क नहीं पड़ता मैं यहां लिखूं यहां लिखूं यहां लिखूं यहां लिखूं यहां लिखू किसी भी पॉइंट पर लिखूं अगर यह स्पीय इसके अंदर आ चुका है तो इस स्पियर के पोटेंशियल को सिर्फ इसी की रेडियस और इसी की चार्ज इफेक्ट करेगी ठीक है तो इसके कारण यहां पे पोटेंशियल आएगा प्लस सी के कारण कितना आएगा अगेन देखो सी के अंदर है ये ए सी वाले स्फीयर के अंदर है ए ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया K into 4Q upon C के एन टू फोर क्यू अपॉन सी के रेडियस कितनी है फोर आर ठीक है तो सी की रेडियस फोर आर यहां पर पोटेंशियल लिखूंगा तो सी जो है सी के अंदर आ रहा है ए तो सी के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैं देख लू क्या होगा पोटेंशियल के फोर क्यू अपॉन फोर आर ही होगा अब ये ए तो जस्ट एक है जो किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे लाई कर रहा है सी के ठीक है सी के अंदर किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे आ रहा है तो भैया पोटेंशियल तो इसके अपना चेंज करेगा नहीं सी अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसी भी स्फीयर स्फीयर के के तो पूरे के अंदर तो पे भी आ रही रहेगा ठीक है थीके? चलो बहुत अच्छी बात है अब आगे चलते हैं सी का पोटेंशियल लिखते हैं सी का पोटेंशियल क्या आ जाएगा देखो इस ए के कारण ये A के कारण ए के कारण सी ए के सेंटर से कितनी दूर पे 4r पे तो देख c पे पोटेंशियल जो आएगा एक तो आएगा खुद का खुद का पोटेंशियल कितना आएगा k 4q by 4r ये तो हो गया c का खुद का पोटेंशियल अब b के कारण c पे पोटेंशियल अब b के सेंटर से c कितनी दूरी पर है देख b के सेंटर से b का सेंटर कहाँ ही है ये तीनों एक क्या है आ, बोल सकते हैं कि इक्वी सेंटर्ड है मतलब कि इनको ये भी बोलते हैं ना सेम सेंटर्ड है ना जो भी बोलते हैं ठीक है तो तीनों का एक ही सेंटर है ठीक मतलब तीनों का एक ही सेंटर तो बी का सेंटर यहाँ है अब बी के सेंटर से सी कितनी दूरी पर है फोर आर तो भैया बी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा के इंटू का चार्ज अपॉन बी के सेंटर से सी की दूरी फोर ठीक है प्लस आप देखो सी पे ए के कारण पोटेंशियल तो ए के सेंटर से कितनी दूरी पर है सी बेटा ए के सेंटर से भी फोर आर दूरी पर है तो के इन ए का चार्ज क्यू है डिवाइडेड बाय फोर आर ठीक है ये आ गया दोनों वी और वी दोनों को घटा दो वी ए माइनस आ गया या वी सी माइनस जो भी आपको पूछा गया है क्लियर है समझ में आ रहा है सभी लोगों को चलो भैया बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप भूल चुके हो सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं ठीक है देखो वी ए माइनस वी वी सी या वी सी माइनस वी ए जो भी हमें निकालना है चलो वी सी माइनस वी ए निकाल देते हैं वी सी में से वी ए को घटाते हैं यानी कि के ये फोर से तो फोर कैंसल आउट हुआ तो के इन टू क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन टू आर ये दो बार कैंसल आउट होगा ना और ये आ जाएगा के क्यू अपॉन फोर आर माइनस करना है इसमें से के क्यू अपॉन आर और माइनस के क्यू अपॉन आर ये भी के क्यू अपॉन आर हो गया और ये भी के क्यू अपन आर हो गया और माइनस अगेन के क्यू अपॉन आर हो गया ठीक है अब देखो यार आर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा आर को बाहर ले सकते हैं और के क्यू को भी बाहर ले सकते हैं के क्यू अपॉन आर बाहर आ गया तो बचा क्या वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर माइनस थ्री ये बचा चार लिया एलसीएम तो आया फोर प्लस टू से कैंसल आउट हुआ टू बार तो टू प्लस वन माइनस ट्वेल्व ठीक है ये आ गया अपने पास चार और दो छः और एक 7 सात में से बारह गए तो पाँच तो माइनस फाइव बाई फोर के क्यू बाय आर ठीक है सिंपल है क्लियर है सिंपल है बिल्कुल कड़क एकदम समझ में आ गया चलो अब यार एक क्विज फटाफट से अटैम्प्ट कर लेते हैं और मैं बोर्ड साफ़ करता हूँ तब तक आप लोग क्विज को अटैम्प्ट करेंगे दोनों क्विज एक ही साथ लूंगा है ना इसी बार में दोनों को इसको क्या करेंगे पुश करेंगे दोनों क्विज एक ही साथ खेलेंगे तो मैक्सिमम जितने बच्चे हैं सारे के सारे फटाफट से अटेंटिव हो जाएं और क्विज को अटेम्प्ट कर लें देख ले भाई जो क्विज के लिए आता है उसके लिए भी क्विज आ गई है चलो पुश कर दो क्विज को फटाफट से चार क्वेश्चन होंगे क्विज में और बैक टू बैक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक बेटा चलो चारों, चारों क्वेश्चन यानी कि दोनों क्विज एक ही साथ कर रहा हूं चलिए बेटा जल्दी करो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दस वोल्टे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स चलो बताओ ये कॉन्सेप्ट है बेटा बिल्कुल बेसिक बेसिक कोई बड़ी बात नहीं है मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना सॉल्व कर पाओ है ना ये सारी चीज़ें बहुत पढ़ चुके हैं यार हम बहुत मतलब अब तो आप प्रो हो जाने चाहिए इसमें जैसे कई बच्चे होते हैं ना पब्जी खेल खेल के बहुत अच्छा खेलने लग जाते हैं वैसा ही जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा ठीक है तो मैं तब तक बोर्ड साफ कर रहा हूँ इसे डिस्कस हम करेंगे आपका सवाल है आपका कॉल है जल्दी से करो कॉम बेशक डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में बस जैसे ही बोर्ड साफ हो जाता है चलिए बेटा करते रहिए आगे बढ़ते रहिए और सवालों को समझते रहिए चलिए 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 बहुत अच्छी बात है हो गई सेकंड क्विज हैं पहला क्वेश्चन है चार्ज ऑफ थ्री कोलम इज प्लेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ऑफ थ्री थाउजेंड न्यूटन विद इन दिसलो चार्ज है चार्ज ऑफ थ्री कोलम इज प्लेसिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उसपे फोर्स लगता है थ्री थाउजेंड न्यूटन का ठीक है? कि F जो है, F जो है वो कितना है थ्री थाउजेंड न्यूटन है ठीक है और Q बराबर जो है वो कितना है वो है अपने पास में थ्री कूलम ठीक है अब हमें एक चीज पता है कि F बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ई e होता है तीन हजार बराबर क्या मुझे E की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई एक हजार ठीक है न्यूटन पर कूलम E की वैल्यू एक हजार न्यूटन पर कूलम आ गई ठीक है अब मुझे बोला गया है कि विद इन दिस फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट और एक सेंटीमीटर उनकी दूरी है मतलब इसी फील्ड में मतलब इसी फील्ड में जहां पे कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी यूनिफॉर्म है तो भाई साहब पैरल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी आप सभी को पता है एक बार सवाल हटा दो ठीक है हां इसी फील्ड में कहीं पे जिसमें चार्ज पे फोर्स इतना लग रहा है उस फील्ड की इंटेंसिटी मैंने निकाल ली दो पॉइंट है एक सेंटीमीटर की दूरी पे ठीक है तो एक सेंटीमीटर पे दूर रखे दो पॉइंट के बीच का अगर मुझे पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा dv बराबर होता है माइनस ई डॉट डी ठीक है लेकिन यहां तो भैया हमें सिर्फ डिफरेंस पूछा हुआ है यहां तो हमें डिफरेंस पूछा हुआ प्लस माइनस देखना ही नहीं है तो डायरेक्ट दो पॉइंट के बीच e e e है? है, तो तो माइनस टू से दो जीरो आंसर आ गया बेटे क्या दस वोल्ट आंसर गया मेरे बेटे चलो भाई दूसरा क्वेश्चन हाँ ओ, हो ये अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बाय वी v की वैल्यू क्या दी हुई है v की वैल्यू दी हुई है 5x2 10x minus 9 minus 9 अब मुझे बोला क्या गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर एक, है ना e एट x बराबर 1 निकालना है ठीक है क्लियर हटाओ इसे अभी अब यार मुझे एक चीज अच्छे से पता है क्या पता है कि e बराबर क्या होता है minus -dv by dr होता है ठीक है अगर v सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो मैं डायरेक्ट एक्स के साथ में इसका क्या कर दूंगा डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं अगर वी इफ वी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड तो पार्शियल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन काम में लिया जाएगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि मैं लिखूंगा ई e बराबर डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड बाय डेल सॉरी डेल वी बाय डेल जेड के कैन ठीक है यानी कि अगर मुझे ई e की वैल्यू निकालनी है ना तो वी अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है मतलब वोल्टेज जो है वो मुझे एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में दिया हुआ है मतलब वेरी कर रहा है तीनों डायरेक्शन के साथ में तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूंगा पहले वी का एक्स के साथ में डिफरेंशिएशन करूंगा वाई जेड को कांस्टेंट मान लूंगा फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स जेड को कांस्टेंट मान लूंगा फिर जेड के रिस्पेक्ट में कौन, क्या करूंगा डिफ्रेंशिएशन करूंगा और क्या करूंगा एक्स वाई को कॉन्स्टेंट मान लूंगा क्लियर है सभी लोगों को यह बात क्लियर है चमक रही है अच्छे से ठीक है चलो बहुत सही अब देखो यार अपने को तो एक्स के रूप में फंक्शन दिया हुआ है तो y और z के हिसाब से तो अपने को कुछ करना ही नहीं है तो x के हिसाब से करना है मतलब एक्स के रूप में दिया हो तो डायरेक्ट x के साथ में क्या करूंगा डिफरेंशिएशन कर दूंगा x के साथ में अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा e की वैल्यू dv/dx कर रहा हूं वो भी माइनस का साइन लगा के देख डिफ्रेंशिएशन तो करना आता है ना टेन एक्स आ गया इसका फाइव एक्स स्क्वायर का कितना टेन एक्स प्लस इसका आ गया टेन और जी इसका आ गया जीरो माइनस ऑफ टेन इंटू वन प्लस टेन यानी कि आ गया माइनस का ट्वेंटी न्यूटन पर कूलम ठीक है या फिर वोल्ट पर मीटर एक ही बात है ठीक है क्लियर है सभी को तो दूसरी क्विज कर लेते हैं स्टार्ट हा भाई पहला सवाल आ चुका है दूसरी क्विज का ये देखिए फंक्शन जो अभी बताया था अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वी जो है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड आपको नजर आ रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना बिल्कुल भाई साहब खतरनाक अच्छा सवाल है बेटा जल्दी फटाफट से करो सॉल्व चलिए और होमवर्क भी दे देंगे आपको थोड़ा सा ताकि आप लोग उसे सॉल्व करते रहें घर पर बैठ के कॉन्सेप्ट आप भूल भूलें नहीं यार कॉन्सेप्ट भूलना बहुत बुरी बात होती है पता है मतलब सवाल ना होना इज़ अ डिफरेंट थिंग लेकिन कॉन्सेप्ट भूलना तो ऐसी बात है कि हाँ यार पढ़ भी लिया और याद भी नहीं किया मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मतलब जीरो हो गया ना पूरा डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं करना बस हमें हमें नेट डिस्प्लेसमेंट लेके रखना है ताकि हम मूव करते रहें हमें वापस पूरे साल पढ़ाई करके वहीं नहीं आ जाए जहां पे हम ऑलरेडी स्टार्ट किया था हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए हमारे पास चीजें होनी चाहिए अच्छी अच्छी ठीक है बेटा चलिए ओके चलो तो समझ में आ गया आपको अच्छे से है ना आप आगे चलते देखो दोनों क्विज हो गई पहला क्वेश्चन है है चल रहा अभी दूसरा क्वेश्चन या खत्म खत्म हो हो गई गई ठीक है ये पहला क्वेश्चन है टू प्लेट्स ऑफ सेंटीमीटर अपार्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन दम इलेक्ट्रिक फील्ड दो सेंटीमीटर दूरी पे क्या है दो प्लेट है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा दस वोल्ट का मुझे बोला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डीवी बाईड तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है दस और दूरी कितनी है दो सेंटीमीटर तो दस बटे दो अब दो की पावर माइनस दो भी रखनी पड़ेगी टेन इन टू इन टेन अरे देखना यार E बराबर क्या आएगा डी वी बाई डी आर आएगा ठीक है अब देख मेरे को पता है कि पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस है दस वोल्ट और दूरी दे रखे टेन टू पावर माइनस टू मतलब डिफरेंस जो उन दोनों प्लेट के बीच की दूरी का ये है तो ये पांच आ गया ये दो ऊपर चला गया तो पांच सौ हो गया पांच सौ न्यूटन पर कूलम बी ऑप्शन इज करेक्ट चलिए आगे अगला सवाल अरे बहुत आसान क्वीज है यार बहुत ही आसान क्वीज़ है अगला सवाल हा एक्स वाई जेड का ये पिछला 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 जो था बस बस हाँ यही है ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है पोटेंशियल क्या दिया हुआ है v is equals to, कितना है है ठीक ऐसा ही दिया हुआ है आ बिल्कुल सही हटा दो भाई से हमें पूछा हुआ है मैग्नेट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है मैंने आपको बताया था जब v जो है एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन मिले तो हमें v का एक बार डिफरेंशिएशन करना है x के रूप में x के फॉर्म में डेल का मतलब क्या है पार्शियली कर रहे हैं मतलब कि x के साथ करूंगा तो y, Z को ट्रीट करूंगा जेड तो तो है क्लियर चलो तो हमने लिखा डेल v बाय x i कैप प्लस डेल आ, v बाय जेड के कैप ठीक है तो हमने इ की वैल्यू निकाली ई की वैल्यू निकाली की वैल्यू निकाली की वैल्यू क्या आगे देखो वी का पहले क्या करना है X के साथ में करना y, Z को मानना है तो y, Z को मानना तो वाई जेड को कॉन्टेंट मानूंगा तो ये तो जीरो हो जाएंगे और इसके साथ में क्या जाएगा बाहर माइनस का साइन भी आएगा माइनस आता है तो माइनस का साइन लगाएंगे पहले माइनस पांच एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस पांच आएगा प्लस अब मुझे वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स और जेड क्या होगा कांस्टेंट हो गए तो ये दोनों जीरो हो गए और थ्री वाई का क्या हो गया थ्री हो गया ठीक है अब उसके बाद ये आई कैप में आएगा जे कैप में आएगा ठीक है उसके बाद ये क्या बच्चा बेटा ये बच्चा रूट पंद्रह अगर मैं जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ये दोनों क्या हो गए ये दोनों हो गए जीरो सिर्फ क्या बचेगा रूट पंद्रह ठीक है ओके के, के, तो अपने पास में आ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ठीक है क्लियर है सभी लोगों को इसका मैग्नेट्यूड कैसे निकालोगे बेटा इसका मैग्नेट्यूड निकालना बड़ा ही आसान है अंडर रूट पांच का स्क्वायर अंडर रूट पाँच का स्क्वायर यानी कि पच्चीस प्लस अंडर रूट तीन का स्क्वायर यानी कि नौ प्लस अंडर रूट पंद्रह का स्क्वायर यानी कि पंद्रह तो ये आ गया पच्चीस और पंद्रह हो गए कितने चालीस चालीस और नौ हो गए उनचास यानी कि सेवन न्यूटन पर कूलम ठीक है क्लियर है सभी लोगों को चलो बहुत अच्छी बात है बेटा अगर आप लोगों ने ये सवाल कर लिए हैं तो अब एक सवाल है जो आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा चलिए सवाल लगा दीजिए क्लास आई गेस टाइम हो चुका है क्लास का हाँ ठीक है मैं बता देता हूँ कौन सा सवाल लगाना है आपको <laughs> एक सेकेंड एक सेकेंड तो ये वाला सवाल जो आपको नजर आ रहा है कि दो कंडक्टिंग होलो स्पेरिकल सेल्स से हैं जिनकी रेडिया दी हुई है आर टू आर ये कैरी करते हैं चार्ज माइनस क्यू एंड थ्री क्यू रिस्पेक्टिवली और बोला गया कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन टू द अर्थ इफ इनर सेल इज ग्राउंडेड अंदर वाले सेल को ग्राउंड कर दिया ग्राउंड का मतलब क्या होता है बेटा उसका पोटेंशियल जीरो कर देना है और मान लेना है कि उस पर चार्ज आ गया क्यू डैश कितना आ गया? Q और Q चार्ज आने के बाद दोनों के कारण पोटेंशियल निकालना है जीरो कर देना क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी दैट्स इट दैट इज चार्ज मतलब पता चल जाएगा आपको माइनस क्यू था कितना गया क्यू डैश क्या है फाइनल चार्ज फाइनल में से इनिशियल घटाऊंगा तो पता चल जाएगा कितना चार्ज ग्राउंड में गया है ठीक है चलिए तो आज की मास्टर क्लास यहीं पर खत्म होती है बहुत इजी मास्टर क्लास थी काफ़ी इजी टॉपिक था और काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखे अब यार अगली क्लास में मिलते हैं कल कक्षा बारहवीं की क्लास है तो पढ़ के आएँ कैपेसिटर्स की सर्किट की प्रॉब्लम ही हम लोग कल से फिर से डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है उन्हें डिस्कस करेंगे मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए पढ़ते रहें अपना होमवर्क करते रहें डाउट नट के साथ बने रहें थैंक यू